नमस्ते दोस्तों, मैं अभी आ गई हूँ जयपुर की कनक घाटी में। ये जयपुर का वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट गार्डन्स में से एक है। इसका निर्माण जयपुर के महाराज सवाई जयसिंह जी ने करवाया था करीब 300 साल पहले। इस गार्डन की खूबसूरती देखते ही बनती है। अगर आप इस साइड देखेंगे गार्डन के, तो यहाँ से नाहरगढ़ फोर्ट जाने का रास्ता है। यहाँ से हमें अभी गाड़ियाँ भी जाती हुई नजर आ रही हैं। और इसके अलावा अगर आप इस साइड जाएंगे तो यहाँ से आमेर फोर्ट का रास्ता है। और ये जो गार्डन है ये पूरा अरावली हिल से ढका हुआ है। इसके अलावा यहाँ की टाइमिंग्स, टिकट्स, इस सब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डिटेल मिल जाएगी। अभी मेरे पास टाइम बहुत कम है, 5 से 6 बजे का टाइम है, तो अभी मैं फटाफट आपको घुमाने ले चलती हूँ। आइए मेरे साथ। सो दोस्तों, शुरू से शुरुआत करती हूँ। ये मैं पहुँची कनक घाटी, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ की टाइमिंग क्या है, यहाँ की टिकट प्राइस क्या है, वो सब आप देख सकते हैं। मैंने यहाँ से टिकट कलेक्ट की शाम के समय और एंट्री ली। यहाँ गार्ड साहब टिकट चेक करते हैं और एंट्री दे देते हैं। आइए चलते हैं अंदर। ये गार्डन वृंदावन की थीम पर बेस्ड है। लेफ्ट साइड से मैंने शुरुआत करी है, लेफ्ट साइड से चलते जाएंगे। बहुत ही ब्यूटीफुल गार्डन है, आगे आप देखेंगे मेरे साथ। इसके अलावा बीच में भी एक वॉक इन एरिया है और राइट साइड पे भी चीजें हैं, मैं आपको दिखाऊंगी। और ये रही मैं एज यूजुअल मजे करती हुई। ये गार्डन फोटोग्राफी के लिए बहुत अच्छा है, प्री वेडिंग शूट्स भी होते हैं यहाँ पर। लेफ्ट साइड पर ही आगे की तरफ वॉक करते हुए एक ये मिनी पॉन्ड सा बना हुआ है। ऐसी ही लोकेशन आगे और भी आएंगी और बीच में ये लोटस फ्लावर्स हैं। और ये वॉक इन एरिया है, यहाँ पर बीच में लोग बैठे हैं और फिर मैंने भी यहाँ बैठकर कुछ पल बिताए शांति से। ये देखिए श्री कृष्ण की रासलीला जो हम हमेशा से सुनते आए हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है इस सीन में, अभी वहाँ पे कृष्ण जी ऊपर बैठे हैं, मुरली बजा रहे हैं। और अगर आप पेड़ पर जूम करके देखेंगे तो वहाँ पर नीचे जो गोपियाँ नहा रही हैं ना, उनके कपड़े उन्होंने चोरी कर रखे हैं और वो उनसे बोल रही हैं कि मेरे कपड़े लौटाइए। अभी अगर आप मेरे पीछे देखेंगे तो आपको जल महल का पूरा व्यू दिख रहा होगा। मेरी नजरों से अगर देखेंगे है, कैमरा में भी इसे जस्टिफाई ना कर रहा हूँ, आप खुद ही आइए और देखिए ये शानदार नजारा। अभी जो गार्डन के मिडल में वॉक इन एरिया था उसको क्रॉस करके मैं राइट साइड में आ गई हूँ और वहाँ पे ये एक सीन है जहाँ कान्हा अपनी गोपियों के साथ नाचते गाते सेलिब्रेट करते नजर आ रहे हैं। और ये है कृष्णा के हाथों बकासुर के वध की एक झलक। और गार्डन में आगे बढ़कर ये प्लेइंग एरिया शुरू हो जाता है जहाँ पर सबसे पहले है ये बड़ा सा ट्रैम्पोलिन। और फिर मैं पहुंची गार्डन के लास्ट में। और यकीन मानिए ऐसे फ्लावर सिर्फ यहीं नहीं, पूरे गार्डन में है। और ये सामने की तरफ एक कैंटीन है जहाँ पे वैरायटी ऑफ फूड मिलता है, आप आइए और खुद ही ट्राई कर लीजिए। तो दोस्तों ये है गार्डन का एग्जिट। फटाफट बताइए कमेंट सेक्शन में आपको वीडियो कैसा लगा, आप यहाँ पर कब आ रहे हैं और बताइए कि अगला व्लॉग आप कौन सा देखना चाहेंगे। इसके अलावा वही कीजिए जो मैं हमेशा करने को कहती हूँ, वीडियो को लाइक
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। जाते जाते एक और झलक दिखा देती हूँ आपको। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, खुश रहिए। मैं मिलती हूँ आपको अगले व्लॉग में। बाय बाय।